अगर वास्तविकता में रावण कंस को मारना है तो अपने अंदर के रावण कंस को मारो, नहीं ऐसे कथाओं में मारने से कुछ नहीं होगा, ऐसे पुतले जलाने से कुछ नहीं होगा। आज कन्हैया ने कंस का वध कर दिया, देवकी वस्तुओं को कारागृह से छुड़वाया, मथुरा नरेश के लिए राजगद्दी पर बिठाया, मैया देवकी ने कन्हैया के लिए अवंतिकापुरी में पढ़ने के लिए भेजा। कन्हैया अवंतिकापुरी में पढ़ने के लिए गए, जिसके लिए आजकल हम लोग उज्जैन के नाम से जानते हैं। गुरु शांतिपनी जी के यहाँ पर विद्या अध्ययन की। गुरु जी से कहने लगे, गुरु जी दक्षिणा मांगो, क्या चाहिए? गुरु जी कहने लगे, बेटा कुछ नहीं, केवल तुम तो जाओ और जाकर के हमारी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। गुरु ने कुछ नहीं मांगा। गुरु माता कहने लगी, एक दिन हमारा बेटा गया था, लौट करके नहीं आया। कन्हैया गए, दर्शन करवाए और कन्हैया विद्या अध्ययन करके वापस आए। अच्छा, कन्हैया ने पढ़ाई क्यों की? कन्हैया इस कथा से बताना चाहते हैं कि अध्ययन पढ़ाई सभी के लिए करनी चाहिए। आजकल अपन लोग सोचते हैं पढ़ाई कर लो, नौकरी लग जाएगी, संपत्ति कमाएंगे। केवल पढ़ाई संपत्ति कमाने को नहीं की जाती। अगर संपत्ति के लिए पढ़ाई की जाती तो कन्हैया के लिए नंद बाबा की पूरी जायदाद मिल जाती, मथुरा नरेश की गद्दी मिल जाती उन्हें। लेकिन पढ़ाई क्योंकि शिक्षा एक ऐसा विषय है, दुनिया की संपत्ति चोर चुरा लेंगे, भाई हक में बांट लेंगे, सरकारें इनकम टैक्स में ले लेंगी, लेकिन ज्ञान एक ऐसा धन है, ना तो भाई बांट सकता है ना चोर चुरा सकते हैं। अगर तुम्हारे पास में ज्ञान है, शिक्षा है, जीवन में कभी तुम फेल नहीं हो सकते। इसलिए बच्चों को चाहिए कि बचपन में पढ़ाई करनी चाहिए। बचपन में पढ़ाई करो, जितनी बने 25 साल की उम्र तक खींच करके पढ़ाई करो। हाँ, और माता पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। नहीं तो शास्त्र में कहा गया कि माता शत्रु पिता बैरी एन वालो ना पाठिका। जो अपने बच्चों के लिए शिक्षा नहीं देते हैं वो माता शत्रु है और पिता बैरी है। पिता वो पिता नहीं है जो बच्चों के लिए शिक्षा ना दे। एक टाइम भूखे रहना लेकिन अपने बच्चों के लिए पढ़ाई करवाना। और माँ बाप के लिए, जब माँ बाप पढ़ाए तो बच्चों के लिए भी पढ़ाई करनी चाहिए। 25 तक पढ़ाई करो और 25 से 50 तक कमाई करो जितनी दम हुए। अब 50 के बाद में धीरे धीरे माया से मन छोड़ो और माधव में जोड़ो। हाँ, 50 के बाद फिर नहीं माया में विदो। अपन लोग विदे रहे लंबे, हाँ उसको कबड्डी सी खिलाते रहे। 50 के बाद लो दे रहे 80 90 लो ढूंढ पात कई बाहू मेरे कम डारियो धना कम डारियो। हाँ, सो दिक्कत में भी दे रहे नहीं। 50 के बाद तो मालूम वो मान लो केन लगत का इंकिया बन, माने बन अपने मन को बन बनाओ। अपने भी दे रहा हूँ माया में बा बन तेरे पन चौ बन पच पन छप पन अबाई बन संता बन अबाई बन उने साठ। फिर केन लगा साठ माने का का मूरा का नहीं सो दरो रे मूरा का। अच्छा जे चीनी अपन को बताओ। अच्छा एक वो गाना शुरू किया आप उन्होंने, जब लड़का को ब्याह कर भी बाप जा थे मड़वा में बैठ हुए तो गुवा थे। जो एक गाना अपने नाम गुवा थे, एक मड़वा में गाना गुवा थे समझी के लाजे माताएं गाँव लगा थे कई गो हमारे मन में ऐसी आई कि दूल्हा के दद्दा को एक बेर पटकूं आ दो बेर पटकूं आ तीन बेर पटकूं आ मन करे के 3.5 बेर पटकूं। जो गाँव 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 अच्छा जो कहे गाँव थे माताएं मड़वा में कहेगा हमें समझ में नहीं आऊ यार 3 बेर तो ठीक जो 3.5 बेर के सो पाट काट कसम दी खोले के सो आ दो दच को छोड़ दे 3.5 बेर के सो पाट काट पता बे माताएं काय के बे जाय के लगा थे समदी होते बैठे बैठे पेटी के मारत बसेता सो समधने के लगा के ये सो मन करे दूला के दद्दा को एक बेर पटकूं माने एरे तुम इतने बड़े हो गए अबे लो भजन ने करो तुमने खुद को ब्याह होगा भजन ने करे लड़का होगा भजन ने करे लड़का को ब्याह कर भी आ गए तो ही बसेता मार भी लगे अबाई मन लगा ले भगवान में एक बेर पटकूं माने राम जी ठाणे हैं पूरे राम जी पूरे ठाणे रे तो एक बेर पटकूं माने उनके गोड़ों में पटकूं दो बेर पटकूं लक्ष्मण जी के गोड़ों में पटकूं
तीसरी पूरी को खड़ी राम दरबार में सीता खड़ी रेत के नहीं रेत तो तीन बेर पटकू और फिर कह लगा साढ़े तीन बेर पटकू माने साढ़े तीन बेर को राम दरबार में राम जी लक्ष्मण और जानकी जी तो ठाड़े हैं पूरे, लेकिन हनुमान जी ने ठाड़े आए ने बैठे आए। हनुमान जी याद ऐसे हैं यहाँ का नहीं वीरासन में सो साढ़े तीन बेर माने हनुमान जी के लगा पटकू सुबह सीधी सीधी अगेत के उठा के राम दरबार में पटकू अबे लो बस ऐसा मार रहे अब ही भजन कर ले रे सुबह गान लगा राम धनी तो है लेकिन अपन हो रहे नहीं समझ पाऊ तो बैठे बस ऐसा मार रहा। एक उम्र होती है 25 तक पढ़ाई 50 तक कमाई और फिर मोड़ियों के इलाज में मिल गए दमाद लड़कों को मिल गई बाऊए फिर तो तुम बेतुके अभी दे फिर रहा है। हाँ जैसे वो बखानी में नहीं ट्रैक्टर के पीछे वो काला गोरे ताके तू हो हाँ ट्रैक्टर के पाछे लगो बखरा थे जो वो और वो के पाछे एक लगी रही था डूड़िया लगी रही तो डूड़िया यहाँ यहाँ पर खोचा रहा है फिर तो ने देन में ने लेन में भाई बेटियों को मिल गए दमान बे अपने जीवन में खुश बेटों को मिल गई बंगे बे अपने जीवन में खुश। अब तो अपन व्यर्थ में माया में फंसे हम ये नहीं कहते कि बाबा जी बन जाओ घर छोड़ दे अरे राम राम का खा के मैं हम खुद नहीं बाबा हो पा रहे का करें भाई बात इतनी दुनिया में रहो लेकिन भजन करो धीरे धीरे भगवान का भजन करो माया से मन को तोड़ो और माधव के चरणों में जोड़ो। 50 के बाद में जब आपने जीवन में गृहस्थ के पूरे काम कर लाए तो उसके बाद में जो है बच्चों के शादी विवाह करवा दाए अब आगे वो जाने उनका धर्म जाने हम भगवान का भजन करेंगे और मस्त रहेंगे। ये उम्र बताती है तो 25 तक खींच करके पढ़ाई करो पढ़ाई बहुत अच्छा धन है बच्चों को चाहिए कि पढ़ाई करनी चाहिए। कन्हैया ने अध्ययन किया लौट करके आए देवकी मैया ने एक दिन माखन मिश्री रख दी कन्हैया को याद आ गई कन्हैया माखन मिश्री देख करके आंसू आ गए। ध्रुव जी ने आकर के पहला इनके पास में जो ही इनके आंसू गिरे सो उद्धव जी ने आकर के वो आंसू अपने हाथों पर ले लिए जैसे ही हथेली पर लिए कन्हैया से कहने लगे उद्धव जी क्यों रो रहे हो। कन्हैया कहने लगे क्या करें उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहीं मुझे वृंदावन की याद आती है। उद्धव जी कहने लगे भैया हम चले जाते लेकिन हम ठहरे देवगुरु बृहस्पति के चेला कहाँ बे वो कहाँ जाने पढ़ाई लिखाई वो कहा ये शास्त्रों की बातें जाने। कन्हैया समझ गए कि शायद इनके लिए ज्ञान का अभिमान है सो भगवान ने ज्ञान का अभिमान दूर करने के लिए उद्धव को भेजा बोले उद्धव तुम जरूर जाओ। उद्धव को पीली जो है पीला पक्का दिया काली कमलिया दी और बोले उद्धव तुम जाकर के वहां की हर खबर लेकर के आओ उद्धव के लिए भेजा। उद्धव जी आए सुखदेव जी कहते राजन दूर से ब्रजवासियों ने देखा आज कोई काली कमलिया वाला आ रहा है। उद्धव जी पास में गए भैया जय श्री कृष्ण ब्रजवासी कहने लगे जी से जय श्री कृष्ण। उद्धव जी कहने लगे भैया मैं देवगुरु बृहस्पति का चेला और मैं देवगुरु बृहस्पति का चेला कन्हैया ने हमें भेजा है कन्हैया बहुत अच्छे से हैं अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली अच्छे से रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है बड़े आनंद से रहते तुम लोग रोया मत करो। ब्रजवासी कहने लगे सुनो तो हम कन्हैया से मिलने को नहीं हो रहा है हम इसलिए रोते हैं कि कहीं ना कहीं गलती हमें रही होगी जब तो कन्हैया आए और हमसे दूर चले गए हमें अगर कन्हैया से मिलना होता तो मिलना कोई बड़ी बात नहीं है वृंदावन से मथुरा ज्यादा दूर नहीं दिन में 3 बार जाएं तो मिलकर के वापस आ जाएं लेकिन मिलने को नहीं रोते हम इसलिए रोते हैं कि गलती हमें रही होगी जब तो कन्हैया आए और चले गए इसलिए रोते हैं। उद्धव जी कहने लगे भैया घबराओ मत कन्हैया बड़े अच्छे से है चलो हमें यशोदा से मिलना है। यशोदा जी के पास गए यशोदा से कहने लगे माएं आप घबराना मत कन्हैया बड़े आनंद से है पढ़ाई कर ली कंस को मार दिया। यशोदा कहने लगी उद्धव धीरे बोलो धीरे मेरा लाला कबू चंदा मांगे कबू माखन मांगे कबू बहू मांगे बड़ा उपद्रव करता है मेरा लाला बड़े समय में हम सुला पाए हैं उसके लिए। उद्धव कहने लगे हे भगवान हम तो वहां पर कन्हैया को छोड़ करके आए ये कह रहे हैं कि हमने सुला दिया तो उद्धव कहने लगे कि इनने पालने में सुला दिया। सुखदेव जी कहते राजन ने झांकी का दर्शन करना मैया यशोदा ने उद्धव का हाथ पकड़ा पकड़ करके ले गई और ले जा करके जब पालने में दिखाया तो आज भी यशोदा के पालने में कन्हैया सो रहे थे।
उद्धव के ज्ञान की एक सिद्धि यहाँ पर खिसक गई। उद्धव के लिए लगा बताओ इतनी भक्ति में ताकत। आगे गए, गोपिकाएं बैठी बैठी बात कर रही थी। एक गोपिका कहने लगी, मेरे सपने में आए माखन माना मांगा, मैं देने वाली थी, इतने में मेरी आंख खुल गई। दूसरी कहने लगी, मेरे सपने में भी आए छींका पकड़ा मटकी उतारने लगे, इतने में आंख खुल गई। एक कहने लगी, राधे रानी आपके लिए सपने नहीं आता क्या? राधे रानी कहने लगी, सुनो सपने तो उसके लिए आता है जिसके लिए नींद आए, लेकिन जिस दिन से कन्हैया गए हमारी आंखों की नींद चली गई। बेरी निद्रा गतोपीवा, उसी दिन से हमारी आंखों की नींद चली गई। हम क्या बताएं? उद्धव के ज्ञान की एक सिद्धि यहाँ पर खिसक गई।